हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल लाया हूँ डाटा माइनिंग एल्गोरिथम से, कि विद द हेल्प ऑफ डाटा माइनिंग एल्गोरिथम आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कैसे बना सकते हो। आईडीएस आपने ऑफनली सुना होगा, आईडीएस। ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एल्गोरिथम हम NSL-KDD डाटा सेट पर टेस्ट कर रहे हैं। इस एल्गोरिथम में मैंने अपना सबसे फेवरेट क्लासीफायर यूज़ किया, SVM क्लासीफायर सपोर्ट वेक्टर मशीन। और व्हाट आई डिड, आई मेक इट ऑप्टिमाइज एंड अडेप्टिव। प्रोग्राम इनिशिएट करने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, फॉर थीसिस गाइडेंस प्लीज़ कॉल मी, प्रोवाइड थीसिस असिस्टेंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। This time, this video tutorial is brought to you by Ajay Jatav. For thesis, call me at my contact number +917307399944. You can also visit our website for related queries and related topic in thesis, infinitesolution.org. और फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपको पुराने कई ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, mytreacher.com। बट बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं पाइथन, मैटलैब, यू कैन बी PHP डेवलपर, और इस तरह की टेक्नोलॉजी से का इंट्रोडक्शन लेके आप वर्ल्ड वाइड अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। लाइक इन द करेंट ईयर हडू प्रोफेशनल्स की ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 लाख रिक्वायरमेंट आने वाली है, जिसके करॉस्पॉन्डिंग 5 लाख लोगों की कमी पड़ने वाली है, क्योंकि एट प्रेजेंट केवल 50,000 लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड हडूप टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज है। तो आप हमारी इस mindcreature.com वेबसाइट से विजिट करके अपने क्लासरूम प्रोग्राम अभी से स्टार्ट करवा दीजिए, क्योंकि कल क्या पता आप किस कंपनी के CEO बन जाएं लाइक मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोग्राम है। बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता हूँ डेटा सेट के क्रॉसपॉन्डिंग। कंसिडर किए हैं सिग्नेचर बेस्ड और एनोमली बेस्ड डेटा सेट लिए हैं, सॉरी एनोमली बेस्ड। बेसिक NSL-KDD के दो वर्जन है डेटा सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, सिग्नेचर बेस्ड एंड एनोमली बेस्ड। सिग्नेचर बेस्ड डेटा सेट में हर टाइप के अटैक को स्पेशली मेंशन कर रखा है, उसके अलावा अगर कोई और अटैक आता है तो उसको वो नॉर्मल कंसीडर करता है। एनोमली बेस्ड में दो के नॉर्मल डाटा सेट, इन सारे अटैक्स को कंसीडर किया है, इसलिए मैंने एनोमली बेस्ड डाटा सेट ले रखा है। इस डाटा सेट के 42 एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। तो इस टाइम दिस टाइम आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे आप इतने बड़े डाटा सेट को प्रोसेस करके अपने क्लासीफायर को इन अ सच ए लेवल ट्रेन कर सकते हो कि वो अपने आप ऑप्टिमम रिजल्ट गेट कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैंने इंस्टेड ऑफ ऑल द डाटा सेट ट्रेनिंग बहुत छोटे डाटा सेट से की है, 10,000 एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं, जबकि ये डाटा सेट में 25,000 एट्रीब्यूट केवल 25,000 टेस्ट केस केवल ट्रेनिंग में यूज़ होने, सो एक्यूरेसी इस टाइम पे लिटिल बिट डाउन है। ठीक है, आप पूरा डाटा सेट लोगे तो आपको वो बहुत बेटर एक्यूरेसी मिलेगी, बट पूरे डाटा सेट में थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है और मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, बिकॉज आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई टेक्नोलॉजी एज वेल। तो ठीक है, बताना भूल गया फ्रेंड एक बार फिर से, mindcreature.com, और आप इस वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, हमारा नया ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल। ठीक है, हमने डाटा क्लोज किया। आप यहाँ पे मैटलैब की ट्रेनिंग भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमने इम्पोर्ट डाटा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, की वी डिज़ाइन अ डेडिकेटेड फंक्शन फॉर गेटिंग द डाटा इन वर्क स्पेस, क्योंकि जब तक हमारा डाटा हमारे वर्क स्पेस में नहीं आएगा, ठीक है, दिस इज़ आवर वर्क स्पेस, तब तक हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंपोर्ट डाटा, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल नेम गेट करेंगे एट हियर, फॉल्ट डाटा टाइप हमारा यहाँ पे होगा। मैं इस लाइन को आपको प्रोसेस करके दिखाना चाहता हूँ स्पेशली, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि वट एग्जैक्टली हैपन्स हियर। ठीक है फ्रेंड्स, CLC क्लियर CLC। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये
यहाँ पे हमारा डाटा सेट गेट हो गया, आप देख सकते हो अभी वर्क स्पेस खाली था और उसकी उसके बाद डाटा सेट गेट हो गया, बट यहाँ पे कुछ टोकनाइजेशन वगैरह कुछ शॉर्ट कोड्स हैं, इस तरह की चीज़ें हमारा हमारा सिस्टम प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो हमें एक कोड रिमूव करने हैं। इस प्रोसेस को हम टोकनाइजेशन और पार्सिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को रिमूव करने के लिए मेरे पास एक अनदर प्रोग्राम है पैरामीटर, ठीक है, जिसमें मुझे पैरामीटर भी गेट हो जाएंगे। आप जब ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालोगे तो आपको ये वैल्यूज गेट हो, ये प्रोग्राम गेट हो जाएगा। तो पैरामीटर चलाया मैंने, ठीक है। पैरामीटर चलाने के बाद हमारे पास डाटा स्प्लिट हो गया ट्रेन एक्स ट्रेन वाई में, और आप देख सकते हो कि डाटा एक न्यूमेरिक फॉर्म में। मैं इसको दिखा देता हूँ लाइन टू लाइन। बेसिकली हमारा डाटा फॉल्ट की फॉर्म में था, तो फॉल्ट की फॉर्म में डाटा अब हमारा ये रिमूव हो गया है। टोकनाइजेशन एंड पार्सिंग हैज़ बीन परफॉर्म। इस डाटा को जब हम डबल प्रिसीजन में कन्वर्ट करते हैं तो वो इस तरह से आ जाता है। मैं आपको पूरा फॉल्ट डाटा दिखा देता हूँ अगेन एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ गेट हो जाती हैं, उस वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कि 1 2 1 2 फॉर नॉर्मल एंड एनोमली। ये फिर हमने डाटा सेट को ट्रेन सेट और ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई में, ट्रेन वाई हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस है। दिस डाटा टाइप इज लेबल्ड डाटा टाइप, ठीक है, टेस्ट एक्स एंड टेस्ट वाई। तो अब बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शो यू मेन एल्गोरिथम ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर मैंने ऑलरेडी स्टोर कर दिए मैथ्स ग्रेड वगैरह, ठीक है। हाइफन एस रिप्रेजेंट द मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, हाइफन टी इज फॉर आरबीएफ कर्नल, हाइफन जी इज द पैरामीटर वी हैव टू ऑप्टिमाइज इन दिस टेस्ट केस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्रेन डाटा को ही टू पार्ट में स्प्लिट कर दे रहा हूँ, ट्रेन सेट एंड ट्रेन सेट वाई। हमारी परफॉर्मेंस 10 टाइम ऑप्टिमाइज होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जी बेस्ट जो इनिशियली इनिशियलाइज हो रखा था इन्फिनिटी, अगर हमारा एरर जो आउटपुट जो जिसके जो कैलकुलेट होगा टेस्ट वैलिडेशन सेट के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर वो उसमें जो एरर आया वो एरर अगर हमारा जी बेस्ट एरर जो हमारे हमने इनिशियलाइज किया अगर उससे कम होगा तो हमारा जी बेस्ट एरर अब हमारा एरर हो जाएगा। और हर बार ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक हमें ऑप्टिमाइज बेस्ट सेट नहीं मिलते। ये मैथ्स ग्रिड पी है, मैथ्स ग्रिड जी है, अगर ये सबसे बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं तो ये अपडेट हो जाते हैं, अदरवाइज वो एज इट इज़ रहते हैं और बेस्ट पैरामीटर आपके यहाँ पे गेट हो जाते हैं। उसके बाद हम होल डाटा सेट से ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। दिस इज आवर क्लासीफायर, दिस इज अ स्पेशल क्लास ऑफ SVM क्लासीफायर। आई हैव डिज़ाइन दिस क्लासीफायर स्पेशली फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। आई नेम दिस SVM क्लासीफायर एज SVM ट्रेन एंड SVM PLO ट्रेन एंड PLO प्रिडिक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये आपके शॉर्ट क्लासीफायर के कोड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैटलैब में, ठीक है फ्रेंड। ये आपका जो मेन कोड है PLO प्रिडिक्ट का, ठीक है, ये आपका SVM क्लासीफायर का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आप इसको मुझे कॉल करके या रिक्वेस्ट डाल के गेट कर सकते हो, बट फ्रेंड आई वांट टू टेल यू कि ये कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको लिटिल बिट डोनेशन करना पड़ेगा टू आर्ड अवर कंपनी और यू विल गेट इट बाय रिक्वेस्टिंग, ओके फ्रेंड्स। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ईमेल पे फ्री रिक्वेस्ट आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इससे लर्न करो, ठीक है, बट रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी रन आपको यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया था, पैरामीटर गेट हो गए, ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट स्प्लिट हो चुके हैं। अब मैं आपको मेन एल्गोरिथम रन करा के दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। मेरे पास एरर आ गया अगेन, सो आई नीड टू रिप्लेस द दिस थिंग पेस्ट मैं दूसरे फोल्डर में स्विच कर गया था, इस वजह से ये एरर आ गया PRAMETER। So here we run the program again.
It takes time, friends. It takes time. You have to be patient when you do big things, because big things takes time. These are the value. You are getting optimized value. As you can see, gamma is 0, cost is 1, epsilon is 0. Mean absolute error is reducing right now. अगर ये मिनिमम हुआ तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ही आपके बेस्ट रिजल्ट गेट होंगे. यू विल गेट द बेस्ट एक्यूरेसी ओवर हियर. ये आइट्रेशन 20 टाइम चलेंगे फ्रेंड्स. एज यू कैन सी कि 10,000 टेस्ट केसेस में भी इट इज टेकिंग टाइम. सो आई गेस आप समझ सकते हो कि अगर मैं पूरा डाटाबेस लेता तो ये ज़्यादा टाइम लेता, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया. बट जब आप ये प्रोग्राम अपने सिस्टम पे बनाओगे फ्रेंड्स, तो पूरा का पूरा डाटा सेट ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें केवल टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको 25,000 एट्रीब्यूट लेने हैं, और टेस्टिंग के लिए आपको 12,000 समथिंग टेस्ट केसेस अवेलेबल हैं नेट पे. ओके, विद द एडवांसमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यू वुड एबल टू सी कि हमारा आइडियाज कितना बढ़िया काम करेगा. हमारे सिस्टम पे कोई एरर गेट नहीं होगा. वी वोंट गेट कोई भी मतलब वायरस नहीं आएगा. ठीक है, हमारा सिस्टम हैंग नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसर्च के फील्ड में एडवांसमेंट हो जाएगी. वी वुड एबल टू बीट द डी डॉस अटैक, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एट द सर्वर एंड. सो सर्वर ऑटोमेटिकली उन रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा जो अनवांटेड रिक्वेस्ट है. सो इट टेक्स टाइम फ्रेंड्स. एज यू कैन सी कि यहाँ पे एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अलग अलग वैल्यू गेट कर रहा है. तो जब इसको ऑप्टिमाइज मिनिमम वैल्यू गेट होगी, जो जिस पे जिस पॉइंट पे उसके क्रॉसपॉन्डिंग है, हमारा पूरा का पूरा डाटा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में पास करा देगा. तो आप अब समझ रहे हो फ्रेंड कि दीज आर द एट्रीब्यूट, जबकि मतलब SVM में इन एट्रीब्यूट्स को इतना कंसीडर नहीं किया जाता, बट इस ये कितने बहुत बहुत डिफरेंस ला सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में. अभी मैं आपको एक्चुअल एक्यूरेसी दिखाना चाहूँगा अपने सिस्टम डिज़ाइन की, और यू विल सी कि मतलब ये क्यों हो रहा है. ये पूरे के पूरे डाटा सेट पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल डाटा सेट पे हमारी 99.7% एक्यूरेसी देता है. बट हाँ, मैंने जैसे डाटा सेट छोटा कर दिया है, तो फॉर अ टाइमिंग आई एम गेटिंग 71% एक्यूरेसी. बट विदाउट एडेप्टिव SVM वी वर गेटिंग अराउंड एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट सेट 71, फाइनल 58. तो आपने देखा कि एडेप्टिव SVM से हम कितनी एक्यूरेसी इम्प्रूव कर पाए. हमारा इम्प्रूवमेंट है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव SVM 58 to 71%, ओनली 10,000 टेस्ट केसेस. तो 58 to 71%, दैट मीन आपने ऑलमोस्ट 23% ऑलमोस्ट आपने 37% एक्यूरेसी इम्प्रूव की है. That mean with the help of adaptive SVM you can improve the your system time with at least 37%. Okay friends, so for a time being friends, आज का वीडियो सेशन यहीं पे ख़त्म होता है. मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा नया प्रोडक्ट देखना मत भूलना, mindcreature.com, और फॉर थीसिस गाइडेंस एज वेल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉल मी 7307399444. ओके फ्रेंड्स, और विद द हेल्प ऑफ एडेप्टिव SVM हाउ मच परसेंट यू आर एबल टू इंक्रीज विद, मैं आपको बता देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ है ना, ये ट्यूटोरियल था हाउ यू विल एबल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ SVM अप टू 37%. ओके फ्रेंड, एंड एडेप्टिव SVM कैन डू दिस थिंग. आज रखता हूँ मैं, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, ट्यूटोरियल मत देखना भूलना. लव यू ऑल, गुड बाय.